भगवान राम की जन्मस्थली अब पर्यटन हब के रूप में निखर के सामने आई है। एक तरफ जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले एक साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने रामनगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पर्यटन अधिकारी की माने तो अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। रामनगरी के होटलों में बुकिंग की क्षमता एक साल में लगभग 90% रही है। इसके साथ ही रामनगरी में पर्यटकों भी बढ़े हैं। भगवान राम के मंदिर निर्माण के कारण भी श्रद्धालुओं ने अयोध्या की तरफ रुख किया है। इस दरमियान रामनगरी पर्यटन नगरी के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। भगवान राम की नगरी में मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। पिछले एक वर्षों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रामनगरी में दर्शन पूजन किया है। यह आंकड़ा तब है जब भगवान राम लला का मंदिर निर्माणाधीन है। मंदिर निर्माण के साथ इस आंकड़े में दोगुने की वृद्धि होगी। अयोध्या पर्यटन नगरी के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ से अधिक पर्यटक जो है आए हैं। कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जो जिनको हम सेम डे विजिटर कहते हैं कि उसी दिन आते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं, तो उनका रात्रि विश्राम नहीं होता है। बाकी काफ़ी पर्यटक जो है यहाँ पर अब रात्रि विश्राम करते हैं। होटल लगभग की आकुपेंसी जो है वो 90% तक है, तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है और इस समय जो है 2.5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, पर्यटकीय सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं, राम की पौड़ी सजी रहती है। इसको देखने के लिए इस वर्ष में जो है मतलब वित्तीय वर्ष में लगभग जो है 2.5 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं और ये एक रिकॉर्ड है।